राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज तक हमने श्री राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं सुनी हैं। श्री राधा कृष्ण का वृंदावन की लीला हो या श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका का लीला, हर लीला को हमने सुना है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है श्री राधा और रुक्मिणी के बारे में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या हुआ जब देवी रुक्मिणी ने ली श्री राधा की प्रेम परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम उसका दूसरा भाग सुनाने वाले हैं, जो बहुत ही प्रचलित कथा है कि एक बार किस तरह श्री कृष्ण के पत्नियों के समक्ष देवी राधा और गोपियों का प्रेम प्रमाणित हुआ था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि द्वारिका में आए थे। द्वारिका में जब नारद मुनि पधारे तो हर किसी ने मिलकर उस समय श्री कृष्ण संग श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने नारद मुनि का भव्य स्वागत किया था। उसके बाद जब माता रुक्मिणी आई और उन्होंने कहा कि आप कुछ भोजन ग्रहण करें, उस समय नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं माते, मैं कुछ भी नहीं खा सकता क्योंकि मेरा पेट संपूर्ण भरा हुआ है। मैं द्वारिका आने से पहले वृंदावन में गया था, वहाँ पर मैं गोपियों से मिला, श्री राधा से मिला। गोपियों और श्री राधा को पता चला कि मैं द्वारिका आ रहा हूँ, तो सबने मिलके मुझे बहुत सारे पकवान खिलाए। गोपियों ने हजारों बात पूछे श्री कृष्ण के विषय में, लेकिन वहीं श्री राधा वो एक कोने में खड़ी रही। नारद जी आगे बताते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, हे माता, आपको अपने प्रभु श्री कृष्ण के विषय में क्या कुछ भी नहीं जानना? उस वक्त श्री राधा ने कहा कि नहीं, जो मेरे साथ हर समय रहते हैं, मैं भला उनके बारे में क्या पूछूं? ये सब सुनके देवी रुक्मिणी का जैसे चेहरे का भाव बदल गया। देवी रुक्मिणी ने नारद जी से कह दिया, हे देवर्षि नारद, आप यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ताना देने हेतु आए हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की अतीत थी और मैं अपने आर्य अपने स्वामी की वर्तमान हूँ। ये सारी बातें श्री कृष्ण वहाँ पर सुन रहे थे और वो मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं कहते, वे मौन रहते हैं। और इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण लीला रचते हैं। श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं। उस समय देवलोक से एक वैद्य आते हैं, जो श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार देवर्षि नारद ही वैद्य का रूप धारण करके आते हैं। देवर्षि नारद वैद्य के रूप में श्री कृष्ण के सुझाव पर ही कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त या श्री कृष्ण का प्रेमी जो उनसे प्रेम करता हो, अपने चरणों का धोया हुआ जल यानी चरणामृत श्री कृष्ण को पिला दे, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, ये सुनते ही श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवी रुक्मिणी समेत चार कदम पीछे हट जाती है कि आखिर कैसे कोई अपने स्वामी को, संपूर्ण लोकों के मालिक को अपने चरणों का जल पिला सकता है। उस वक्त वैद्य रूप में देवर्षि नारद ने संपूर्ण द्वारिका वासी से यह विनती की, लेकिन किसी में भी इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो श्री कृष्ण को अपना चरणों का जल पिला सके। उस समय देवर्षि नारद जो वैद्य के रूप में थे, वो वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर गोपियों और श्री राधा से कहते हैं। ये सुनते ही बिना एक क्षण के विलम्ब किए श्री राधा ने अपने चरणों को धोकर चरणामृत देवर्षि नारद को दे दिया। देवर्षि नारद हे तो वैद्य के रूप में ही, फिर भी वो श्री राधा से कहते हैं, हे माता, आपको भय नहीं लगता? आप तीनों लोगों के स्वामी को, स्वयं श्री कृष्ण को अपने चरणों का जल दे रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपको महापाप लग सकता है? उस वक्त ये सब सुनते हुए श्री जी मुस्कुराती हुई कहती है, मेरे चरणामृत से अगर मेरे प्रिय मेरे कृष्ण का कोई भी पीड़ा हर सके, तो मैं भला ना दूं, ये कैसे संभव है?
में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझ पर महापाप चढ़ेगा, मुझे अनंत काल के लिए नरक भोगना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, मेरे लिए ये सारी कठिनाई, ये सारी यातनाएं, ये सारे कष्ट बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए अगर कुछ मुश्किल और दुखदाई है तो वह अपने प्रिय कृष्ण को पीड़ा में देखना। ये सुनकर देवर्षि नारद मौन हो जाते हैं और वो द्वारिका में आते हैं। जब देवर्षि नारद जो वैद्य के रूप में थे वे द्वारिका में आते हैं तो उनके हाथों में चरणामृत देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस वक्त वैद्य के रूप में देवर्षि नारद श्री राधा के अनमोल वचन, अनमोल प्रेम यह सुनाया और ये सुनकर सबको महसूस हुआ कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का और श्री राधा का प्रेम कितना ज्यादा दिव्य है कि वो सबसे पहले केवल श्री कृष्ण का ही सोचती है। श्री कृष्ण के लिए वे खुद अनंत काल तक नरक भोगने से भी नहीं डरती। ये देखकर रुक्मणी समेत सभी कृष्ण पत्नियों को श्री राधा का प्रेम ज्ञात हो पाता है। ये थी श्री राधा और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति वो अटूट प्रेम। लेकिन हम आपको बता दे, ये मात्र एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है जिसका वर्णन हमें हरिवंशा पुराण, भागवतम, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्ध्य पुराण आदि किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। कहा जाता है कि ये संत रसिकों के द्वारा रची हुई एक लोक कथा है जो संपूर्ण संसार को श्री कृष्ण के संग गोपिया और श्री राधा के प्रेम को समझाने का उदाहरण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।